नमस्कार माय दोस्तों। तो मैं आज सुबह उठकर एक वीडियो देखा, और जो वीडियो देखा वो है जाकिर नाइक का। और जाकिर नाइक को एक युवा इंसान पूछ रहा है कि नमस्कार देना कोई गुनाह है क्या। तब जाकिर नाइक ने उसको ये आंसर दिया कि देखिए, हिंदू परंपरा में जो नमस्कार देने वाला जो परंपरा है, ये तो मुस्लिम में हराम मानता है। तो इसलिए हराम मानता है कि नमस्कार का मतलब है किसी के सामने झुक जाना। ये मुस्लिम धर्म या कुरान मानता है, जो जाकिर नाइक बोल रहा है। तो मैं जाकिर नाइक जी से बोलना ये चाहता हूँ, अच्छा अगर किसी के सामने झुकना ही है तो इसमें गलती क्या है। देखिए, हम लोग इसलिए नमस्कार करते हैं, इसका रीज़न कहीं भी है और यहाँ वैज्ञानिक भी कारण होता है जिसलिए हम लोग नमस्कार बोलता है। नमस्कार देने का पहला कारण है, अगर आप किसी को सामने झुक ही जाए, नमस्कार बोलने से झुक जाए, ठीक है मैं उससे छोटा बन गया। एक इंसान के सामने छोटा बन के जाना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि उसके सामने अगर नमस्कार बोलेंगे, उसका अंदर जो ईगो होता है ना, वो ईगो कम हो जाता है। और दूसरा बात है कि हम किसी से हैंडशेक मिलाना, ये हम लोग को जो आज कोरोना ने दिखा दिया है कि हैंडशेक मिलाने से क्या होता है, आपका हाथ का कीटाणु दूसरे का हाथ में जा सकता है, ये एक बात है। और तीसरा बात है कि नमस्कार के बारे में जो बोल रहा था कि अगर नमस्कार करेंगे तो एक बुरा इंसान के साथ साथ नमस्कार करना ये गुनाह है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है बुरा ही है वो इंसान, अगर एक बुरा इंसान को सामने नमस्कार करने से उसका दिल थोड़ा भी अच्छा हो जाए, इसमें बुराई क्या है। एक चोर को नमस्कार बोलने से अगर उसके अंदर सही या अच्छा विचार आ जाए, इसमें गलती क्या है। देखिए, मुस्लिम धर्म कोई ख़राब नहीं है, इस्लाम धर्म कोई ख़राब नहीं है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप हिंदू धर्म के ऊपर ऐसा नहीं बोलना है, ये मुझे ठीक नहीं लगा। और धर्म कोई धर्म ग्रंथ शायद अब ख़राब तो नहीं बोलता है, अच्छा ही बोलता है, लेकिन बात ये है कि कोई कोई धर्म के नाम से झगड़ा कर रहा है, ये अलग बात है। तो ये सब करके आप धर्म को परिवर्तन मत कीजिए, आप लोगों का धर्म मान लीजिए, मानिए, इसमें हमें कोई कहने का नहीं, लेकिन दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठाना ये बहुत अच्छा बात नहीं है, इसे करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और देखिए, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, धर्म का मतलब है रीति निवास, तो हिंदू रीति निवास एक ऐसा रीति निवास है जो आज से 5,000 6,000 10,000 साल पहले से शुरू है, जहाँ हम लोग को यहाँ भारत में ऋषि मुनि होता था, ऋषि मुनि होते थे जिनको हम लोग अभी के भाषा में वैज्ञानिक बोलता है, उन लोग तभी रिसर्च करके कौन सा सही है कौन सा गलत है ये सब लिख के गया है। तो इसमें हर हिंदू धर्म के हर परंपरा में कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, तो ऐसे हम लोग नहीं मानता है, नमस्कार के पीछे भी कुछ छुपा है। हाँ, किसी के सामने झुक जाना ये कोई बुरी बात नहीं, दो हाथ से नमस्कार करके झुक जाना ये क्या बुरी बात है भाई, ऐसे क्यों करते हो। आप लोगों का धर्म अच्छा है वो लोगों को समझाइए, लेकिन दूसरे के धर्म का उंगली करना ये ठीक नहीं है। जय हिंद जय मिलन। सॉरी, मैं एक बिजनेस करता हूँ, वो बिजनेस का नाम है जय हिंद, तो एम आई लाइफ स्टाइल को भी मैं जय हिंद बोलता हूँ क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है। जो भी हो, थैंक यू।